अब आपको किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी गुर्दे में और पित्त में पथरी होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर में 8 सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी का मुकम्मल किया जाता है इलाज। बहुत ही वाजिब कीमत में आपको इस दर्द से मिल जाएगा हमेशा के लिए छुटकारा। माहिर डॉक्टर की निगरानी में तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। हमारा पता है आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शमा स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नजर। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी के अलावा मुमलिकत की तमाम मसाजिद में जुमेरात के दिन नमाज इस्तिस्का अदा करने का जारी किया हुक्म। खलीज ममालिक के हजारों अफराद इस साल जापान का ज्यादा कर रहे हैं सफर। जापान के सियाहती रहनुमा ने कहा कि गुज़िश्ता सालों से यह साल खलीजी ममालिक के सियाहत में हुआ जबरदस्त इजाफा। भारत को खलीजी ममालिक की आवाम दे रही है कम तरजीह। ज़ालिम मुल्क इसराइल की जंग का आगाज हुए आज हो गए 115 दिन। आज के दिन पूरे इसराइल की हमास के जंगजों ने नींद कर दी हराम। एक साथ इसराइल के तलबी पर दागे गए कई मिसाइल हमास ने, कोई जानी नुकसान की नहीं है इतला। गाजा और हमास के हमलों में जहन्नम वासिल होने वाले सहूनी सुवरों की हलाकत पर साथी फौजी बद जानवर हो गए बरहम और कहा कि हम किसी भी तरह से गाजा में मरहम पट्टी व इमदादी कार्रवाइयां होने नहीं देंगे, जिंदगी बख्शने वाले तमाम अशिया कर देंगे बर्बाद, बद जानवरों ने खाई खसम। तुम खुद को अकेला ना समझो, हम और हमारे मुल्क का हर बच्चा तुम्हारे दुख और दर्द में है साथ, मगर मजबूर हैं कि हम वहां पहुंचकर जंग में शामिल होने से है मुश्किल, वरना आपके सीने से पहले हमारे सीने हैं हाजिर। तुर्की में गाजा के मजलूमों के लिए निकाली गई अजीम शान रैली में अवाम ने लगाया नारा। इंडोनेशिया में भी जंग ज़दा इलाके गाजा के मजलूम अवाम के लिए लाखों की तादाद में एहतजाज रैली की गई मुनज़्ज़म। इंडोनेशिया की अवाम ने भी इसराइल के तमाम खाने पीने की अशिया का किया बायकॉट। ज़ालिम नामर्द जानवरों की इसराइली फोर्स ने जबरदस्ती घरों में दाखिल होकर मजलूम गाजा के हजारों मुसलमानों के घर को करवा रहे हैं खाली। गाजा में ज़ालिम बद जानवर इसराइली अपनी बस्तियां बसाने का किया ऐलान। मशरिकी दुनिया अभी फिलहाल अच्छी हालत में नहीं, 50 साल में पहली मरतबा इतने बुरे हालात का कर रहे हैं हम सामना। आखिरकार सच बात निकल आई अमरीकी वजीर ख्वाजा ब्लिंकन की जबान से, ब्लिंकन ने बड़ी परेशानी का किया इजहार। जंगजदा मुल्क गाजा में कई दिन से भूखे प्यासे लोगों के दरमियान एक दिल को रुलाने वाली वीडियो आई सामने। सुबह से खाने बांटने वाली कतार में ठहरा था, मगर मेरी बारी आने तक खाना हो गया खत्म, आज भी हसबुनल्लाह व निअमल वकील पढ़कर सो जाऊंगा, एक मासूम बच्चे ने सुनाए दिल की रोदात। फिर एक बार पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम इमरान खान की परेशानी में हो गया जबरदस्त इजाफा। साइफर केस में इमरान खान को सुनाई गई 10 साल कैद की सजा। इंतखाबात के कबल इमरान खान को कैद की सजा सुनाकर पार्टी को मुकम्मल तौर पर तोड़ने का खेला गया खेल। अपनी मौसीकी और रेडियो आवाज से दुनिया भर में नाम कमाने वाले गुलकार राहत फतेह अली खान की इज्जत और शान हो गई एक ही दिन में खत्म। अपने मुलाजिम को एक चीज के लिए तशद्दुद का बनाया था निशाना। इस वीडियो के वायरल होते ही किंग चार्ल्स शुभम ने अपने ट्रस्ट के एम्बेसडर के होदे से कर दिया राहत फतेह अली खान को बरतरफ। 22 जनवरी को मुतनाज़े मकाम पर तामीर करदा राम मंदिर के इफ्तिताह में करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाकर तकरीब में शिरकत करने वाले इमाम डॉक्टर अहमद इलियासी पर कुफर का फतवा कर दिया गया जारी, मगर ढोंगी इमाम ने फतवा जारी करने वालों को पाकिस्तान चले जाने का दिया मशवरा। मंदिर का इफ्तिताह में शिरकत करने पर नहीं है इन्हें कोई शर्मिंदगी। बिहार में घटिया सियासत खेलने वाले नीतीश कुमार का पार्टी बदल जाने के फौरन बाद तेजस्वी यादव पर बढ़ गई मुश्किलात। ईडी ऑफिस पहुंचने पर तेजस्वी यादव के हजारों चाहने वालों ने लगाए नीतीश कुमार के खिलाफ नारे। भारत के बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल हुए आज हो गए मुकम्मल 76 साल। आज मुल्क भर में मनाए गए 76वीं बरसी। 76 बरस गुजरने के बाद भी गांधी के कातिल गोडसे को आज भी लोग दहशतगर्द नहीं मानते, कातिल को कहते हैं सच्चा देशभक्त। कांग्रेस की जानिब से आमिर अली खान और कुडंडा राम को गवर्नर के कोटे के तहत एमएलसी बनाए जाने पर आज हाईकोर्ट ने हलफबरदारी पर लगाई रोक। बीआरएस कायदीन ने इस मामले को किया था कोर्ट में चैलेंज। 2024 में हज अदायगी के लिए कोटे में दरख्वास्त दाखिल करने वालों की किस्मत का हो गया आज फैसला। तेलंगाना हज कमेटी में 7,811 आजमीन का कुरए अंदाजी में निकल आया खुश नसीबों का नाम। एक हफ्ते के अंदर पहली किस्त की फीस अदा करने के लिए हिदायत।
2024 में हज का इरादा करने वाली खवातीन की तादाद में बगैर महरम के ही हज अदा करने वाली खवातीन की तादाद में गुज़िश्ता साल से ज्यादा इस साल इजाफा। सिर्फ नाम के मुस्लिम खवातीन शरीयत व इस्लामी तरीकों को छोड़कर हुकूमती हिदायत पर है अमल पैरा। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान आरोग्य श्री कार्ड के इस्तेमाल के लिए पेश आने वाली तमाम दुश्वारियों को देखते हुए रेवंत रेड्डी वजीर आला ने सफेद राशन कार्ड आरोग्य श्री स्कीम के लिए लाजिम करार देने की शर्त को खत्म करने की दी हिदायत। नामपल्ली मदनीसी MLA माजिद हुसैन की बरवक्त जबरदस्त कार्रवाई की वजह से एक बेजुबान यानी बोलने से महरूम शख्स बेघर होने से हो गया महफूज। जालिम लोगों की जानिब से इस मजलूम के घर पर धोखे से कर लिया था कब्जा। माजिद हुसैन ने फौरन मदाखलत कहते हुए मजलूम को घर दिला दिया वापस। हैदराबाद में कई अजला और मजाफात से लाकर ड्रग्स स्मगल करने के वाकयात हो रहे हैं आम। नारसंगी पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई करते हुए एक लावनिया नामी 33 साल लड़की को ड्रग्स के साथ कर लिया गिरफ्तार। शमा एसपी न्यूज़ की तमाम तफसीलात दीगर खबरों के लिए आप देखते रहे शमा न्यूज़। फिलहाल मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।